वैसे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम वेरी सॉरी। बिना वजह बताए सॉरी क्यों कह रही हो? जैसा मैंने बताया था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ। हैदराबाद में आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आरके मेरे पापा हैं। लंदन में एमबीए कंप्लीट करके मैं हैदराबाद आई थी। गुड, एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है। वी आर एंटरिंग टू लॉट ऑफ बिजनेस। अब से तुम्हें भी बिजनेस संभालना होगा। श्योर डैड। सो ये 6 महीने तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, पर इन 6 महीनों में कोई न जाने कि तुम आरके की बेटी हो, तुम्हें तुम्हारी तरह जीना होगा। यू नो व्हाई? लाइफ में सक्सेस पाने के लिए दुनिया के बारे में जानना पड़ता है, लोगों को परफेक्टली कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होते हैं। ओके डैड, होप यू गेट इट। बाय द वे, जुबान देने का मतलब बिजनेस के लिए स्टार्ट होना, जुबान पर खड़े रहने का मतलब बिजनेस में सक्सेस होना है। डोंट फॉरगेट दैट। इसीलिए किसी को बताया नहीं मैंने। जब झूठ के पीछे की वजह अच्छी हो तो वो झूठ बोलना गलत नहीं होता। तुमने अपने पापा की बात का मान रखा, वो लग्जूरियस लाइफ छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हो, ये मुझे अच्छा लगा। बेटी, सर का फोन। वन सेकेंड। हाय श्री। हाय डैड। निकल गई? नहीं डैड, नहीं आ रही, मैं 4-5 दिनों के बाद आ जाऊंगी। व्हाई? यहाँ एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई है, उसकी शादी अटेंड करके आ जाऊंगी। कुछ दिनों पुरानी दोस्ती के लिए 5 दिन वेस्ट करोगी? एक्चुअली डैड। ओके ओके, दिस इज द लास्ट टाइम। आई नेवर एवर वॉन्ट यू टू वेस्ट टाइम फॉर सच सिली थिंग्स अगेन। ओके, थैंक्स डैड। वासु, पापा ने शादी में जाने की परमिशन दे दी है। सो कब जा रहे हैं हम वहाँ? कल सुबह। तुम रिचो पता नहीं था, कुछ भी बक दिया। नहीं, इट्स ओके। वासु चले। क्या ढूंढ रही है? फोन। ओ फोन, रुको मैं कॉल करता हूं। बाय। अब चले। लेट्स गो। हाय। 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 हाय गाइस, कैसा है यार? प्रिया कहाँ है? वैसे अभी ये साबुदाने के पकोड़े बनाने जरूरी हैं क्या? 4 दिन में वासु आ रहा है ना, उसे ये बहुत पसंद है। नाम लिया और शैतान का फोन आ गया। हाँ बोलो वासु। जरा दादी को देना। दादी, तुम डेस्टिनेशन वेडिंग देखना चाहती थी ना, अभी दिखाता हूँ। ये मेहंदी काउंटर है। ये देखो, ये टैटू काउंटर। टैटू मतलब? टैटू मतलब निशान लगाना। निशान लगाना? ओ हाँ। ये कॉकटेल काउंटर। कॉकटेल मतलब? वही। अच्छा वो। यहाँ संगीत होने वाला है। ए, शादी दिखाऊंगा कहकर क्या दिखा रहा है ये? डेस्टिनेशन वेडिंग ऐसा ही होता है दादी। हमारे गाँव के मेले की तरह लग रहा है। तुमने तो कचरा ही कर दिया। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। बाय बेटा। बाय। वासु की शादी भी हम ऐसे ही करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग। जरूरत नहीं है, मेरे पोते की शादी कैसे करनी है मुझे पता है। आप शादी जैसे भी करें, मंडप पर तो मुझे ही बैठना है। क्यों रे, लड़की को देखकर दिल हिल गया? या यही तो लड़कियों की प्रॉब्लम है, हम उन्हें देखें या वो हमें देखें, हालत हमारी खराब होती है। या चल। हे रिया,
तुम ना खुले बालों के साथ ज्यादा अच्छी लगती हो। थैंक यू। क्या कर रहे थे? कौन सी लड़की कैसे अच्छी दिखती है सजेशन दे रहे थे? कुछ हासिल करना हो तो कभी कभी तारीफ भी करनी पड़ती है। समझ नहीं आया। ये क्या है? खूबसूरती को नजर ना लगे। मुझे नजर लगेगी तो तुम्हें क्या? पार्टनर को नजर लगेगी तो बुरा लगेगा ना। पार्टनर मतलब डांस पार्टनर? लाइफ पार्टनर। माय हार्ट लिखकर मेरा नाम सेव किया ना, मैंने तुम्हें यहां सेव कर दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणोध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे श्री गणेशाय नमः। क्या कर रहे हैं आप लोग? जरा ठीक से बैठिए ना। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव। लेट हो रहा है, चलें क्या? अरे कुछ देर बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद चलते हैं ना खाना वाना खाकर। राव जी से मिल चुके हैं ना, चलो चलते हैं। चलो चलें। मुहूर्त कब का है? आपका आना ही हमारे लिए मुहूर्त है सर। आप इतनी दूर से आए, यही हमारे लिए मुहूर्त है सर। अर्जेंट कॉल आया है, मिनिस्टर जी को दिल्ली जाना होगा। वो 10 मिनट में चले जाएंगे, आप प्लीज बैठिए। जी जी। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोट सम प्रभा। सुनिए पंडित जी, मिनिस्टर साहब की अर्जेंट मीटिंग आ गई है, आप कार्यक्रम को जल्दी समाप्त कीजिए। मुहूर्त में अभी समय है जी। मिनिस्टर जी के पास वक्त नहीं है, उन्हीं की वजह से आज मेरा ये स्टेटस है। मुहूर्त को आप जल्दी समाप्त कर दीजिए ना। देखिए मुहूर्त से पहले कोई भी शुभ कार्य नहीं। मुहूर्त का क्या है, वो तो हम ही लोगों ने लिखा है ना, आप मंत्र पढ़िए। मंगलम मंगलम करुणोध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय। पंडित जी से मैंने कह दिया है, आप 10 मिनट में जा सकते हैं। अंकल आप ये जो कर रहे हैं ये सही है क्या? मिनिस्टर जी के लिए आप मुहूर्त बदल देंगे? मिनिस्टर साहब हमारी बेटी की शादी में कितनी दूर से आए हैं, इनके काम का भी तो ध्यान रखना है ना बेटा। तो मुहूर्त की क्या जरूरत है, ऐसे ही करवा दीजिए। मर्जी से बदलने के लिए शादी कोई इवेंट नहीं है अंकल, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। वैसे भी मुझे ये शादी नहीं लग रही है अंकल। कोई कहता है खाना खाकर जाते हैं, कोई कहता है आपसे मिल लिया तो आप निकल सकते हैं। सोचा था शादी में आने वाले ऐसे होंगे, पर आप भी वैसे ही निकले। वैसे 5 साल कुर्सी पर बैठने वाले मिनिस्टर भी मुहूर्त देखकर ही शपथ लेते हैं। ऐसे में जिंदगी भर साथ रहने वाले दो लोगों को मुहूर्त की जरूरत नहीं है। सर शादी के लिए इतनी दूर आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आप 10 मिनट और नहीं रुक सकते? राव सर पहले से जो मुहूर्त तय है उसके हिसाब से शादी करवाओ। ओके सर। क्या सोच रही है? हाँ, हमारी शादी के बारे में। शादी के बारे में इतना सोचना क्या है? तुम शादी और परंपराओं को इतनी अहमियत देते हो, हमारे घर में शादी इज जस्ट एन इवेंट। तुम जानते हो ना दी का भी डिवोर्स होने वाला है। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में बताने पर शायद डैड कन्विंस हो जाए। क्या वासु की फैमिली सच में इतनी अच्छी है? हाँ मम्मी, अभी उनकी जॉइंट फैमिली ही है। पता है उन सबके बीच में कितना प्यार है। जहाँ अफेक्शन ज्यादा हो वहीं रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं।
तुम पापा के साथ? तुम डार से बात करने वाली थी ना, तो मैंने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। प्यार हो जाए तो हमारे पार्टनर को बताने में ही बहुत वक्त लग जाता है, ऐसे में अपने पापा को ही बताना, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे डार से मिल लूं। हाय सर, आपसे कुछ बात करना। अपॉइंटमेंट? बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हो, वो तुम्हारी जरूरत है। अपॉइंटमेंट के बिना मैं बात नहीं करता। श्री के बारे में बात करनी है। Tell me. श्री और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक्चुअली श्री आपसे बात करने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है प्यार की बात उससे करनी चाहिए, शादी की बात मुझे आपसे करनी चाहिए, इसीलिए बात करने खुद चला है। जारी ने क्या कहा? मैंने दुनिया को समझने के लिए कहा तो वो प्यार को समझ कर आई है। वासु की फैमिली वाकई में बहुत अच्छी है जी। So you know everything? डैडी वो जब फोन करके गुड नाइट कहा तभी मुझे पता चल गया था कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। 6 महीने तक तुम मुझसे मिले नहीं और यहां 3 दिन रुक गई, मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुझसे भी इंपॉर्टेंट पर्सन आ चुका है। ऐसा नहीं है डैडी। लेट्स कम टू द पॉइंट। तुमने प्यार क्यों किया नहीं पूछूंगा, 100 रीजंस होंगे तुम्हारे पास। हाँ लेकिन श्री तुम शादी क्यों करना चाहती हो, सिर्फ एक रीजन बता दो। वासु उसकी जिंदगी में जो भी है उन्हें खुश रखना चाहता है डैडी, और मुझे तो वो अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता है, तो सोचिए मुझे कितना खुश रखेगा। जब आपके साथ रहती हूँ जितनी खुश और सिक्योर फील करती हूँ उसके साथ भी ऐसा ही फील करती हूँ डैडी। ओके ओके, अपने पेरेंट्स को यहां आने के लिए कहो। वो नहीं आएंगे अंकल। क्या कहा तुमने? वो आपके घर नहीं आएंगे। क्यों? विधि के अनुसार आपको लड़की वाले बनकर हमारे घर आके उनसे बात करनी होगी। यही विधि और परंपरा है। कहाँ के रहने वाले हो? सखी ने टिपल। चलो चलो भाई उतरो उतरो, आराम से चलो। ए पदु, अभी तक सीनू की बाइक नहीं लौटाई? उसने अब तक पैसे कहाँ लौटाए? आजा आजा बेटा। हाय पापा। ठीक है ना? अब ठीक है ना? अब मैं ठीक हूँ। अरे नजर उतारने दे, उसके बाद ही घर के अंदर आना। अरे ना जल्दी करो। स्टार्ट। इसकी नजर, उसकी नजर, चंडीगढ़ की नजर, हैदराबाद की नजर, परसों शादी में किसी गांव गया था ना, मसूरी की नजर, सारी नजर उतर जाए। तू 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 लो फेंक दो इसे। हाँ आराम से आराम। आओ आओ आओ। वासु क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? थोड़ा काला हो गया है, दुबला हो गया है, खाना ठीक से नहीं खा रहा। तुझे काम के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं ना? यही डायलॉग मारने वाली थी ना? माँ मुझे देखकर बहुत दिन हो गए हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है, मैं सांवला नहीं हुआ हूँ, दुबला नहीं हुआ हूँ। तू भी यही कहने वाला था ना? चल। वासु वासु मेरे आने तक कुछ मत खाना हो। क्यों? क्योंकि मैं कुछ लेकर आ रही हूँ। ओके। तेरे वासु को पसंद है इसीलिए मक्खन बनाने को कहा ना? आज अपने दिल की बात तू वासु को बता ही देना। आज ही का तो इंतजार था मुझे। मैं आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की जी? अगर इस उम्र का लड़का सारी फैमिली को बुलाकर
ये कह रहा है कि आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तब तो वो जरूर लव मैटर ही होगा। क्यों रे? सच में? अरे माँ, मैं बताता हूँ ना, आ जा, बैठो। पापा सही कह रहे हैं, उस लड़की का नाम श्री है, उसके पिता का नाम आरके है, हैदराबाद में बड़ा बिजनेसमैन है। ये सारी बातें आपको कैसे पता? मेरे पोते ने मुझे कब से बता दिया। अरे तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? वो खुद तुम सबको बताना चाहता था ना। हाँ हाँ। मुझे श्री पसंद है और उसे भी मैं बहुत पसंद हूँ। हम दोनों प्यार तो करते हैं, लेकिन शादी आपकी इजाजत से करेंगे, इसीलिए मैंने उसके पापा से बात कर ली है और वो मान भी गए। तूने प्यार किया है तो वो लड़की खुशकिस्मत होगी। तुझे दामाद बनाने वाला इंसान बहुत हिम्मत वाला है। बुला लो, बात करते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। कहा था ना, घर में कोई भी तेरी बात से इनकार नहीं करेगा। ए पद्दू, वासु श्री नाम की लड़की से प्यार करता है। हाँ सुना मैंने। तूने एक सुनहरा मौका गवा दिया ना, कितना समझाया था ना, अब देख। अभी भी उसी टॉपिक पर बात कर रही है। तेरे हाथ में क्या है? वासु को मक्खन पसंद है ना, वही लाई हूँ। इसकी सारी पसंद नापसंद पता है तुझे, सही वक्त पर लेकर आई। आजा, इसका मुंह मीठा कर दे। कॉन्ग्रेट्स वासु। थैंक यू पद्दू। अंकल, हाय। मेरे पिताजी। नमस्ते। ये श्री और नमस्ते, नमस्ते, उसकी माँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए। चलिए। पैर धो लीजिए। बाहर से घर के अंदर जाने से पहले पैर धोना हमारी परंपरा है, सो प्लीज धुलाओ। ये हमारे पुरखों का घर है, उनकी यादों को संजो कर रखने के लिए हम यहीं रह रहे हैं। आइए, मेरी माँ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मेरी पत्नी, मेरी बहन, भांजी। हाँ हाँ, मैं समझ गया, जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है। नमस्कार जी। अब बैठिए। आइए। आई नीड टू चेक द हाउस मॉम। क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? काव्या एक बार घर देखना चाहती है। पद्दू, हाँ? जरा इन्हें घर दिखा दे। ठीक है, दिखाती हूँ, आइए ना। मेरी कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, सो फॉर्मेलिटीज फिनिश कर लेंगे तो मैं निकल जाऊंगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब? एक्सपेक्टेशंस का मतलब पहले डाउरी कहते थे, अब फॉर्मेलिटीज कहते हैं। बताइए क्या चाहिए। मैं श्री से पैसों के लिए प्यार नहीं करता। यहां भी आप बिजनेसमैन की तरह ही बात कर रहे हैं। हम कुछ एक्सपेक्ट करके शादी के लिए तैयार नहीं हुए। मेरा बेटा चाहता है, इसलिए तैयार हुए। मैं भी मेरी बेटी चाहती थी, इसीलिए शादी के लिए मान गया। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हर बात पहले से ही क्लैरिटी के साथ करना मेरी आदत है। हाँ, ये भी एक तरह से सही है। आपकी वैसे भी दो ही बेटियां हैं, ज्यादा दिन कोई मिलने वाली है।
अब उसमें आधा तो इसी का है ना। सिंपल। तुमसे पर्सनली बात करनी है। यहां हमारे घर में जो भी हो सब मिलकर बात करते हैं, पर मुझे इससे पर्सनली बात करनी है। आइए अंकल। अगर तुम्हें यह शादी करनी है तो इस पर साइन करने होंगे। क्या ही है? प्री मैरिटल एग्रीमेंट। विदेश में बहुत सालों से है, हमारे देश में मेरे जैसे लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाई और अगर वो डिवोर्स चाहती है तो तुम्हें उस वक्त उसे डिवोर्स देना पड़ेगा। अगर आपको हमारे प्यार पर यकीन नहीं तो शादी के लिए हाँ क्यों की? यकीन अलग है, सच्चाई अलग है। बाहर तुम्हारे पिताजी ने सही कहा, मैं हर बात बिजनेसमैन की तरह सोचता हूँ। कोई भी बिजनेस हो, एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोच लेता हूँ। यही बात मेरी बेटी की जिंदगी। आपको लगता है हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी? मेबी। तुम मेरी बेटी को खुश रखो तो भी प्रॉब्लम्स दूसरी तरफ से आ सकती है ना। सो मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब हमारे प्यार से ज्यादा आपको इन पेपर्स पर भरोसा है? इस दुनिया में इंसानों को छोड़ कागजों पर भरोसा करना शुरू हुए कई साल हो चुके हैं। अगर मेरी बेटी और तुम अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहते हो तो इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो तुम्हें साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? ओके। रुक क्यों गए? हिम्मत नहीं हो रही है? हिम्मत तो बहुत है अंकल। Then sign it. I will. आपको पेपर्स पर भरोसा है और मुझे जुबान पर। अगर आप एक वादा करें तो साइन कर दूंगा। शादी में दुल्हन के पिता के तौर पर जहां भी आपकी जरूरत हो आप हाजिर होंगे। जो काम आपका है वो हर एक काम आप ही करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करें तो मैं साइन कर दूंगा। मेरी बेटी की शादी होगी और मैं नहीं रहूंगा। ओके, तुम जहां जहां कहोगे मैं हर जगह मौजूद रहूंगा। डू यू नीड एन एग्रीमेंट? नहीं अंकल, आपकी जुबान काफी है। ये लीजिए। बाय द वे, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ओके अंकल, चलिए। क्यों रे, शादी से पहले लड़का और लड़की कमरे में जाकर अकेले बात करते हैं। तू अपने ससुर से इतनी देर क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं अंकल, इन्हें शादी के बारे में थोड़े डाउट्स थे, वो मैंने क्लियर कर दिए। तो अब आपको मंजूर है? या ओके। मुझे एक बात करनी थी। आप लड़की वाले हैं, जहां आप चाहेंगे वहीं शादी होगी, लेकिन मेरे पोते की शादी मेरी आंखों के सामने इसी घर में हो, ऐसी मेरी इच्छा है। ओके ओके। इस हैप्पी मोमेंट में सबकी एक फोटो हो जाए क्यों? हाँ, उसमें क्या है, ले लेते हैं। आजा बेटा, आजा। आइए।